हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेस वी हैव डन अर्लियर, सो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं दैट आर फ्रॉम आरडी एंड फुल मार्क्स, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन दैट एच सी एफ ऑफ 150 और 100 इज इक्वल टू 50, फाइंड एल सी एम ऑफ 150 और 100। यानी कि हमें एच सी एफ गिवन है दो नंबर का। कौन से दो नंबर का? 150 और 100 का। क्या एच सी एफ है? 50। हमें उसका क्या निकालना है? एल सी एम। सो हमने एक पहले एक स्टेटमेंट थी, एक थ्योरम थी कि एच सी एफ इंटू एल सी एम, यानी कि दो नंबर का एच सी एफ और दो नंबर का एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो नंबर कौन कौन से हैं, वो 150 और 100, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल होगा, एच सी एफ क्या है? 50। एल सी एम हमें निकालना है। तो ये हमारी स्टेटमेंट होती है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब उसके बाद क्या करना है? एल सी एम ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। 50, 30, एल सी एम इज इक्वल टू 13 × 10, 300। तो एल सी एम हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से डायरेक्टली आ गया 300। अब अगर आप 150 और 100 का एल सी एम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो यही आएगा। सो बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का एल सी एफ और दो नंबर के एल सी एम दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर उसके इक्वल होता है जो कि उन दोनों नंबर का ही प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। सो गाइस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन दैट एल सी एम ऑफ 26 और 91, दो नंबर हैं 26 और 91, उनका एल सी एम है 182, हमें निकालना है एच सी एफ। तो अगेन हमारी वो स्टेटमेंट जो है, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें इसी के अंदर जो है अपने वैल्यूज को पुट करना है। एल सी एम है 182, एच सी एम हमें निकालना है एच सी एफ, और प्रोडक्ट दो नंबर कौन कौन से गिवन है? 26 × 91। अब एच सी एफ इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा 182। अब इसको कट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 91, यहाँ आ जाएगा 13, 91 से 91 कट हो जाएगा, एच सी एफ आ गया हमारा 13। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यू नीड टू लर्न एच सी एफ इज इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, एल सी एम और एच सी एफ, दो नंबर का एल सी एम और एच सी एफ 240 और 12 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एल सी एम है 240, एच सी एफ है 12, ठीक है। उसके बाद है, इफ वन ऑफ द नंबर, एक नंबर उसमें से गिवन है 60, हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो स्टेटमेंट क्या होती है? एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। अब इसके बाद क्या है, एक नंबर हमें, इन दोनों नंबर में से एक नंबर हमें गिवन है 60, दूसरा नहीं गिवन है, उसको हमने ले लिया x, हमें वो निकालना है। सो एल सी एम है 240, एच सी एफ है 12, अब x इधर ही रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा 6, 4, 4 × 12 इज 48, तो x यानी कि दूसरा नंबर क्या आ गया? 48। अब अगर आप 48 और 60 का LCM निकालेंगे तो 240 आएगा, 48 और 60 का HCF निकालेंगे तो वो 12 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 870 और 225। सी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे एक होता है डिविडेंड यानी कि जिसको हम डिवाइड करते हैं, b होता है डिवाइज़र यानी कि जो डिवाइड हो, जिससे डिवाइड करते हैं, इन टू क्यू से तो आपको मालूम ही होगा क्वेश्चेंट होता है, और प्लस रिमाइंडर, r से रिमाइंडर। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इसके एच सी एफ को लिखना है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, इन दोनों को डिवाइड करना होता है और स्टेप बाय स्टेप इसको यूक्लिड में लगा देना है। तो 225 से 870 को डिवाइड करेंगे, 225 का यहाँ पे आप एक बार टेबल लिख लीजिए, सो दैट आपको मालूम रहेगा आपको डिवाइड किससे करना है। 675, 225 थ्री से 675, 591, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1।
95। अब ध्यान से देखिए इस फॉर्म में इसको कैसे लगाएंगे, डिविडेंड यहाँ पे क्या है 870, तो डिविडेंड की जगह लिख दिया 870 इज इक्वल टू, डिवाइजर है 225, 225 इंटू क्वेश्चन है 3 प्लस रिमाइंडर है 195। यानी कि इस तरीके से इसको लगाना है, हर एक स्टेप को इसी तरीके से लिखना है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 195, मैं यहाँ लिख देती हूँ 195 यहाँ रिमाइंडर आ गया। उसके बाद क्या करना होता है, 195 जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था ऊपर वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। ये 195 30, रिमाइंडर आ गया 30। अगेन हमने एक और स्टेप कर लिया, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 225, तो डिविडेंड की जगह लिख दिया 225, डिवाइजर है 195 इंटू क्वेश्चन है 1, रिमाइंडर है 30। सो ये हमने अगेन इस स्टेप को, हर एक स्टेप को हमें लिखते चलना है। फिर अगेन यहाँ का रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर और 195 जो वहाँ का ऊपर डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। उसके बाद अब इसको देखना है, सिक्सा 185, 115 आ गया रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिए हमें अगेन इस स्टेप को इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 195, डिवाइजर है 30 इंटू क्वेश्चन है 6, रिमाइंडर है 15। अब जब तक रिमाइंडर 15 नहीं आता तब तक हमें यही स्टेप को फॉलो करना है, रिमाइंडर आ गया 15। अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो ऊपर डिवाइजर था वो यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, 15 2 30 माइनस रिमाइंडर आ गया 0। ये दिस वॉज आर लास्ट स्टेप। अब डिविडेंड है 30, डिवाइजर है 15, क्वेश्चन है 2, रिमाइंडर है 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है, तो HCF ऑफ 870 एंड 225 इज इक्वल टू 15 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको इस फॉर्म में लगाना होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हर स्टेप को हमें इसी फॉर्म में लगाना है, जो डिविडेंड है डिविडेंड लिखना है, डिवाइजर है डिवाइजर, उस तरीके से लगा के जब हमारा रिमाइंडर एंड ऑफ द टाइम पे 0 आ जाएगा, उस इक्वेशन का जो हमारा डिवाइजर होगा, यानी कि जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होता है उन दोनों टर्म्स का। सो गाइज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। हम ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना है कि ये रैशनल है, इसके अपोजिट ये रैशनल है, फिर अज्यूम करने के बाद हमें उसको प्रूफ करके दिखाना है कि वो रैशनल है या नहीं। एंड ऑफ द टाइम पे जब वो रैशनल नहीं प्रूफ होगा तब हम लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, जो हमने अभी तक प्रूफ किया है वो जो हमने अजम्पशन की थी दैट वॉज रॉन्ग एंड रूट 3 इज इरेशनल। सो लेट्स अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल, और रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू कभी भी यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता, और पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि ये दोनों नंबर का जो एच सी एफ है वो 1 है, यानी कि जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और उन दोनों का ही एच सी एफ जो है 1 है। सो अब रूट 3 इरेशनल प्रूफ कर दिया, अब सॉरी रैशनल प्रूफ कर दिया, p बाय q के फॉर्म में आ गया। अब हम लिख देंगे कि रूट 3 इज इक्वल टू p बाय q। इसके बाद हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, ब्रैकेट में लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये q स्क्वायर यहाँ ले जाइए, 3q स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको एक इक्वेशन नंबर हमने 1 नेम दे दिया, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि q स्क्वायर अगर हम इधर रखते हैं तो 3 नीचे आ जाएगा, तो वो डिवाइड हो सकता है। सो यहाँ पे करना है p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी प्राइम फैक्टर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो जब स्क्वायर नहीं है, जैसे कि पी, अगर इफ़ पी स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाय 3 देन पी इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय 3, यानी कि पी भी डिवाइडेड बाय 3, पी भी डिवाइड होता है 3 से। ये हमने प्रूफ कर दिया कि पी स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो सिंगल पी भी 3 से डिवाइड होता है, ये हमने थ्योरम ऑलरेडी पड़ी हुई है। सो अब इसके बाद क्या करना है, हमें करना है लेट
पी इज इक्वल टू थ्री सी. हमने सी, वेयर सी इज एनी नेगेटिव, वेयर सी इज एनी इंटीजर, जहाँ पे सी कोई भी एक इंटीजर है, हमने लेट किया. और थ्री सी की वैल्यू को हम पी की जगह पुट करके देखेंगे. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन वी गेट थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी का होल स्क्वायर. राइट, थ्री सी का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर होगा. तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ होता है कि जो क्यू है वो भी थ्री से डिवाइड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया था. इफ क्यू इज, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय थ्री, यहाँ से थ्री इधर आ जाएगा, देन क्यू ऑल्सो डिवाइडेड बाय थ्री. अगर क्यू स्क्वायर थ्री से डिवाइड होता है तो क्यू भी थ्री से डिवाइड होता है. अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट से क्या मालूम पड़ता है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे अगर हम ध्यान दें कि पी और क्यू, हेंस बाय इक्वेशन वन एंड टू वी गेट पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर थ्री, यानी कि वो दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि थ्री दोनों का ही फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है थ्री. दैट मीन्स दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि को प्राइम नंबर्स के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स. और अगर उनका को प्राइम नंबर नहीं है तो हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है. दैट मीन्स दे आर नॉट को प्राइम नंबर, हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड आई एम स्टार्टिंग दिस हियर. रूट थ्री इज इर्रैशनल, यानी कि जो हमने अज्यूम किया वो गलत है और रूट थ्री जो है वो इर्रैशनल है. ध्यान से देखिए, रूट थ्री रैशनल लिया, पी क्यू के फॉर्म में होता है रैशनल, और पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया. अब रूट थ्री को इक्वल में रखा पी बाय क्यू के, स्क्वायर किया दोनों साइड, रूट थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर और एक क्यू इधर ले गए. दैट मीन्स अगर पी स्क्वायर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री ऑल्सो. ठीक है, यानी कि दोनों का डिविजिबल होगा. अब हमने पी को लेट कर लिया थ्री सी के और हमने पी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. उसके बाद होगा कि अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है थ्री से तो क्यू भी डिविजिबल होगा थ्री से, विच मीन्स कि पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा थ्री. लेकिन को प्राइम नंबर्स हमने जो लेट किए थे, को प्राइम नंबर्स का तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होता. दैट मीन्स कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है तो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, और अगर ये को प्राइम नंबर्स नहीं है तो हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है और रूट थ्री वो है इरेशनल नंबर है. सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m की फॉर्म में है और 3m प्लस 1 की फॉर्म में है. सबसे पहले हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा देखना है क्या होता है. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और स्मॉलर देन b, यानी कि डिवाइजर से छोटा होता है. तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है 3, तो रिमाइंडर के चांसेस क्या क्या हो गए, 0, 1, 2, 3 से छोटे छोटे और 0 से इक्वल और उससे बड़े, तो 0, 1, 2. अब हमें क्या करना है, लेट x बी एनी इंटीजर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. ये तीनों हमने क्यों लिए, 3 तो हमारा डिवाइजर है ही, क्यू हमारा क्वेश्चन्ट हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया एक बार, फिर 1 हो गया और फिर 2 हो गया. अब हमें x के इक्वल्स में रख के देखना है, x इज इक्वल टू 3q. ठीक है, 3q है मतलब प्लस 0, रिमाइंडर 0 वाला केस है ये केस 1 है 0 वाला, रिमाइंडर 0 जिसमें हमने लिया है, तो 3q. अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करना होगा. तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर 3q का स्क्वायर. यहाँ से हमें 3m की फॉर्म निकालनी है तो हमें क्या कॉमन लेना है, 3, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q स्क्वायर. राइट, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3m
और ब्रैकेट में लिख देना है m इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमने m को 3q स्क्वायर लेट कर लिया, तो ये आ गया 3m के फॉर्म में। तो एक तो हमारा प्रूफ हो गया, ये था हमारा पहला। अब दूसरा आता है 3q+1, x इज इक्वल टू 3q+1, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 × 6q+1, राइट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से 3 कॉमन लेना है क्योंकि 1 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q+1। तो जहाँ पे भी अब ये डिजिट आ गई ब्रैकेट के अंदर वाली, इसको हमने लेट कर लिया m, तो ये आ गया 3m+1 की फॉर्म में, जहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है वेयर m इज इक्वल टू 3q² + 2q। तो हमारी सेकेंड भी प्रूफ हो गई। अब थर्ड करते हैं, x इज इक्वल टू 3q+2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगेन, x स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 9q², 2ab, 2 × 3 = 6 × 12q+4। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 में से कॉमन आ सकता है 3 किस सिचुएशन पे, जब हम 4 को स्प्लिट कर दे 3+1 में। अब इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, हमने 4 को स्प्लिट कर दिया 3+1 में, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 3q² + 4q+1, बाहर आ जाएगा +1। अब मैंने बताया जैसे कि ब्रैकेट के अंदर वाले को हमें m लेट कर लेना है, 3m+1 की फॉर्म में आ गया, ब्रैकेट में लिखिए वेयर m इज इक्वल टू 3q² + 4q+1। हैंस जो क्वेश्चन में स्टेटस स्टेटमेंट गिवन है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n, 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। जो भी हमने m लिया है वहाँ पे सारे अगर आप देखेंगे तो वो इंटीजर्स ही वर्ड बन सकते हैं अगर हम q की कोई भी वैल्यू लगाते हैं। सो क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either is of the form of 3m or 3m+1, यानी कि हमने तीनों केस लगा के देखे, 3 से छोटे छोटे रिमाइंडर क्या आ सकते हैं, 0, 1, 2, तीनों लगा के देखे, 0 भी उसका भी स्क्वायर किया, 1 भी उसका भी स्क्वायर किया, 2 भी उसका भी स्क्वायर किया। हमें कोशिश करनी है कि जब हमें ऐसा प्रूफ करना होता है, हम कोशिश करते हैं कि 3 को कॉमन लेके एंड में हमारा 1 आ जाए। अब 2 वाले केस में तो आया ही नहीं, हमें प्रूफ ही नहीं करना था, हमें सिर्फ प्रूफ इतना करना था कि वो 3m की फॉर्म में हो जो कि ये रहा, 3m+1 की फॉर्म में हो जो कि ये रहा, तीसरे पार्ट में भी वो 3m+1 की फॉर्म में ही आया है, ना कि 3m+2 की फॉर्म में। सो ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।